श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम काफ़ी समय से इंतजार करते हैं गुप्त नवरात्रि का, और गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि बहुत ही खास होती है। जी हाँ, जितने भी नवरात्रि पड़ते हैं साल में, हर साल की जो नवरात्रि पड़ते हैं चारों नवरात्रियों में पंचमी तिथि बहुत खास होती है। तो गुरु जी ने पंचमी तिथि के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय आप अपने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा कमेंट में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम बात करते हैं पहले उपाय की। उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है, तय नहीं हो पा रहा है, बहुत उपाय किए, बहुत प्रयास किए, फिर भी सफल नहीं हो पा रहा है। तो गुरु जी ने नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन करने वाला यह उपाय बताया था। इस उपाय को कर लेने से विवाह जल्दी संपन्न होता है, चट मंगनी पट ब्याह होता है। इस उपाय को करने के लिए हमें क्या सामग्री लेना है? तो हमें लेना है आम का पत्ता। जी हाँ, क्या लेंगे? आम का पल्लव। साथ में आपको करना है थोड़ा सिंदूर घोलना है कटोरी में, और वह सिंदूर घोलने के लिए आपको थोड़ा उसमें डाल देना है घी। पानी से सिंदूर नहीं घुलता है। थोड़ा घी लीजिएगा, सिंदूर के अंदर डालिएगा तो सिंदूर घुल जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक कटोरी में हल्दी भी घोल लेना है। जी हाँ, आप क्या करेंगे, सामग्री इकट्ठी करने के बाद एक आम के पत्ते के ऊपर हमें बनाएंगे दो स्वास्तिक। क्या बनाएंगे? दो स्वास्तिक। एक स्वास्तिक बनेगा आपका सिंदूर से, जो आपने घोला है उस सिंदूर से, और एक स्वास्तिक बन जाएगा आपका हल्दी से। एक ऊपर एक नीचे स्वास्तिक आप बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद अब आपको इन दोनों स्वास्तिक के ऊपर रखना है चावल। क्या रखना है? चावल। पर कैसे रखेंगे? तो जो सिंदूर वाला स्वास्तिक है, उस सिंदूर वाले स्वास्तिक पर आपको रखना है हल्दी के चावल। जी हाँ, हल्दी के चावल कैसे रखोगे? थोड़े चावल लेना, हल्दी में डालना, हल्दी से चावल पीले हो जाएंगे, और इन पीले चावलों को सिंदूर वाले स्वास्तिक के ऊपर आप रख सकते हैं, ठीक है। और जो आपने बनाया है पीला स्वास्तिक, उस पीले स्वास्तिक पर आपको रखना है कुमकुम वाले चावल। जी हाँ, कुमकुम के चावल कैसे रखोगे? थोड़ा चावल लेना, कुमकुम में डालना, और उस लाल चावलों को आपको हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर रख लेना है। जी हाँ, गुरु जी ने ऐसे ही बताया है कि सिंदूर का स्वास्तिक बनेगा फिर हल्दी का स्वास्तिक बनेगा। सिंदूर वाले स्वास्तिक पर कुमकुम के चावल, सिंदूर वाले स्वास्तिक पर हल्दी के चावल, और हल्दी वाले स्वास्तिक पर कुमकुम के चावल रखाएंगे। ऐसा करने के बाद अब जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसकी हथेली पर रखवा दे। हथेली पर रखकर उसे कहे कि वह अपना नाम और गोत्र बोले। जी हाँ, जिसका विवाह संपन्न नहीं हो रहा लड़का या लड़की, उसके हथेली पर रखवा दे और उसे कहना अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले। जब वो अपना नाम और गोत्र बोल दे फिर उसे कहना उस आम के पत्ते को चुपचाप जाकर नीम के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाए। नीम के वृक्ष का गुरु जी ने इसलिए बताया है क्योंकि नवरात्रि के दिनों में नीम के वृक्ष के नीचे माताओं का वास होता है। तो आपको क्या करना है, नीम के वृक्ष के नीचे उस आम के पत्ते को रखकर आ जाना है। बस इतना सा यह उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। महादेव चाहेंगे तो आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो ही जाएगा। दूसरा उपाय है रोगों से मुक्ति पाने के लिए। यह गुरुजी ने एकदम नया उपाय बताया है। कोई भी बीमारी हो, ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता हो, चर्म रोग से संबंधित बीमारी हो, सर्दी जुकाम से परेशान हो, बार बार बुखार आता है, बार बार पेट दर्द होता है, जोड़ों के दर्द होते हैं, या फिर कोई बड़ी बीमारी होने का डर है, या बड़ी बीमारी हो गई है, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हो। कोई गांठ हो गई हो शरीर में तो कर सकते हैं। संपूर्ण बीमारी के लिए यह उपाय है। गुरुजी ने कहा है आपको लेना है एक बेलपत्री और आपको लेना है एक दुर्वा। जी हाँ, एक बेलपत्री और एक दुर्वा, यह लेकर आप जाएंगे शिवालय। और शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले चढ़ाना बेलपत्री, और उस बेलपत्री के ऊपर ही, जी हाँ, अब जब बेलपत्री चढ़ाओगे ना शिवलिंग पे, तो डंडी का भाग किधर करोगे? जहाँ हम बैठे अपने से विपरीत करोगे, और उसी के ऊपर ही एक दुर्वा आपको समर्पित कर देना है। डंडी का भाग जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत होगा,
फिर उसके बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे 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 समर्पित करना है। धीरे समर्पित करोगे, जल को झेलना है। जल को झेलने के लिए सीधे हाथ की हथेली लगाओगे, जल झेलना है और जल का आचमन करना है। जब आचमन करोगे, जल को पियोगे, तब आपको नाम लेना है नंदीश्वर महादेव। क्या नाम लोगे? नंदीश्वर महादेव का नाम लेके जल को पीना है, अपनी बीमारी का बोलना है और जल का आचमन करना है। अब देखो, यह उपाय वह व्यक्ति कर रहा है जिसको बीमारी है, तो वो वहीं पी सकता है, वहीं आचमन कर सकता है। पर अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और वह उपाय भी नहीं कर सकता है, तो उसके बदले आप उपाय करो, जल को झेल कर लाओ। जल झेल कर लाना और उसको घर पर देना पीने के लिए, और उसको बोलना है जब आप घर पर जल को पियोगे ना, तब आपको नंदीश्वर महादेव का ध्यान करना और स्मरण करना है। लेकिन मानेगा, ये बीमारी का बहुत अच्छा उपाय, करके देखिएगा, बीमारी जड़ से समाप्त हो ही जाएगी। तीसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। जी हाँ, अब आप बोलोगे, दीदी इस उपाय को तो बहुत बार कर लिया है, बहुत बार सुन भी लिया है, सुना है, करा भी है, करते रहो। पंचमी तिथि जब भी पड़े महीने में इस उपाय को तो करना भूला ही मत करो, क्योंकि यह जो उपाय होता है ना, यह हम घर पे भी कर सकते हैं और इस उपाय को घर पर ही करते हैं। साथ में धन प्राप्ति का यह अचूक उपाय है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है, उससे आप पूछ सकते हो उन्हें कितना फायदा हुआ है। तो इस उपाय को तो मौका मत गवाया करो, जब पंचमी पड़े ना, झटपट इस उपाय को कर लिया करो। सरल उपाय है, घर पर ही करना है इस उपाय को। इस उपाय को करने से धन संपदा की कमी नहीं होगी कभी भी, धन आपके घर में ऑटोमेटिक आना शुरू होगा, आपके वहाँ पैसों की तंगी दूर होगी। क्या करेंगे? पंचमी तिथि के दिन आपको लेना है गन्ने का रस। जी हाँ, गन्ने का रस लेना, उसमें नींबू नहीं निचोड़ना है, नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखो। गन्ने का रस लेना है, गन्ने का रस लेकर अपने ही घर की क्यारी, यानी अपने घर की तुलसी की क्यारी, तुलसी जहाँ आप पौधा लगाते हैं ना, वहाँ जाइए। और आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही जाकर ले आओ, तुलसी का पौधा तो घर में होना ही चाहिए। जी हाँ, जिनके घर में नहीं है तो वो आज ही ले आओ तुलसी का पौधा, पंचमी तिथि के दिन ले आना। तुलसी के पौधे और क्यारी अपने घर में होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे? गन्ने का रस सीधे हाथ की हथेली पर रखना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल देना, जो भी आपका नाम हो आपका गोत्र बोल के, और उस जल को, उस गन्ने के रस को आपको तुलसी के पौधे में छोड़ देना। ऐसा आपको 7 बार करना है, 5 या 7 बार करना, नाम और गोत्र बोलना और उस गन्ने के रस को तुलसी के पौधे में छोड़ते जाना, ठीक है। अगर गन्ने का रस नहीं मिल पाया, अभी तो गर्मी है तो आसानी से मिल जाएगा, पर अगर नहीं मिल पाए तो फिर मीठा पानी बनाना गुड़ का, और उससे भी इस उपाय को कर सकते हो। धन प्राप्ति का बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिएगा। और एक बात और, सोमवार की अष्टमी आने वाली है, वह तारीख है 26 जून सोमवार की अष्टमी, तो भूलना मत। सोमवार की अष्टमी के दिन जो उपाय गुरुजी ने बताया है, उसमें से कोई एक उपाय जरूर कर लेना मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए। मैंने वीडियो चैनल पर उपाय डाल रखे हैं सोमवार की अष्टमी के, वह भी आप देख सकते हैं। साथ में एक नई वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ सोमवार की अष्टमी के, आप जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।